एशिया कप का विरोध करने वाले पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के शेड्यूल की घोषणा होते ही कर दिया है ऐसा चौंकाने वाला काम जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हां, कभी एशिया कप का विरोध करने वाला पाकिस्तान ने सबसे पहले एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है और ऐसे में अब सारी क्रिकेट टीमों से लेकर क्रिकेट के प्रशंसकों तक सभी हैरान है कि ऐसा हुआ कैसे। तो इस वीडियो में पाकिस्तान से आ रही इसी खबर का करेंगे हम विश्लेषण। तो पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरतलब है कि इस बार का एशिया कप को होस्ट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन बीसीसीआई के पाकिस्तान में जाकर एशिया कप ना खेलने के निर्णय के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो इस बार एशिया कप का आयोजन की कहानी ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा और इतिहास में पहली बार बिना एशिया कप खेले ही एशिया की टीमें वर्ल्ड कप खेलने चली जाएंगी। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान ने अपने हाथ से मामले को निकलते हुए देख हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया, लेकिन लगातार बीसीसीआई के विरोध के बाद ये मामला तुल पकड़ता चला गया और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों टीमों के गतिरोध का नतीजा ये रहा कि बीसीसीआई ने बिना पाकिस्तान के ही श्रीलंका में एशिया कप के आयोजन का प्लान बना लिया। लेकिन एक बार फिर से अपना पूरा खेल बिगड़ता देखकर बीसीसीआई के शर्तों पर एशिया कप खेलने को राजी हो गई, जिसकी वजह से ही एशिया कप का आयोजन अब पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान को एशिया कप के 4 मुकाबले होस्ट करने का ऑफर दिया गया है, वहीं श्रीलंका एशिया कप के 9 मुकाबलों को होस्ट करेगी और इसकी शुरुआत 31 अगस्त से होगी और ये 17 सितंबर तक चलने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इस हाइब्रिड मॉडल में भी सारे बड़े मुकाबले श्रीलंका में ही खेले जाएंगे। लगातार हाइब्रिड मॉडल का विरोध कर रहे पाकिस्तान ने अब सभी को चौंकाते हुए अपनी टीम की घोषणा कर दी, जिसमें कि अब पाकिस्तान ने सभी को चौंकाते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं, जहां उन्होंने कप्तान से लेकर टीम तक को सब बदल दिया है। आपको बता दें कि जीत की चाह रखने वाले पाकिस्तान ने अपने टीम का नया कप्तान बाबर आजम को बदलकर मोहम्मद हैरिस को बना दिया है। वहीं टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान की पूरी टीम जो एशिया कप में पाकिस्तान को जीत दिलवाने के लिए नजर आएगी। आपको बता दें एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने मोहम्मद हैरिस की कप्तानी में हमें पाकिस्तान की ओर से आमिर बिन यूसुफ, अहमद भट्ट, अरशद इकबाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मुबासिर खान, मोहम्मद वसीम जेनेयार, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शहनवाज दाहनी, सूफियाना मुकीम, तैयब ताहिर खेलते नजर आएंगे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एशिया इमर्जिंग कप की रेस में पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्म करता नजर आता है और क्या ऐसे में भारतीय टीम को इससे कोई नुकसान होता दिखता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मगर अपने एक्सपेरिमेंट में अगर पाकिस्तान सफल हो जाती है तो इस स्थिति में हमें एशिया मेंस कप स्थान के द्वारा एक्सपेरिमेंट होता नजर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एशिया इमर्जिंग कप जीतने में कामयाब हो पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।